हेलो एंड वेलकम बैक डियर्स पेरेंट्स। एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 की स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो चूंकि इस चैप्टर का नाम है एयर, तो हमें एयर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर। एटमोसफियर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मतलब किन किन एयर से मिलकर बना हुआ है। देन हम समझने का प्रयास करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर कैसा है, किस प्रकार से हमें एटमॉस्फियर दिखता है विभिन्न विभिन्न लेयर्स में डिवाइडेड। ओके, इनको समझने का प्रयास करेंगे। देन हम ये जानेंगे रेन क्या होते हैं, कैसे रेन बनते हैं, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा का जो विभिन्न विभिन्न रूप होता है वो क्या होता है, इसको समझेंगे। विंड समझेंगे, विंड क्या होता है। एयर प्रेशर को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एयर प्रेशर्स बनते हैं। जैसे आपने व्यापारिक पवने जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं उनके बारे में सुना होगा, तो वो भी क्या है, एयर प्रेशर के परिणाम है। इनको समझने का प्रयास करेंगे। देन हम ये भी जानेंगे जो डिफरेंट गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कह सकते हैं, ये इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ओजोन गैस है इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस लिए हमारे किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स और पृथ्वी पर जो लिविंग लिविंग्स जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये क्यों हेल्पफुल है, तो इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बहुत ही जनरल टर्म के बारे में चर्चा करते हैं। जनरल टर्म ये है क्लाइमेट चेंज। बहुत बारी आपने सुना होगा और ये बिल्कुल एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ भी और जो व्यक्ति थोड़ा कम पढ़ा लिखा लेकिन अवेयरनेस जिसके पास है उसको भी पता होगा कि क्लाइमेट चेंज नाम की कुछ चीज़ तो होती है, क्या होती है इसको समझते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, इनको समझना पड़ेगा। तो आइए इस चीज़ को पहले समझते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आप सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, जिसमें एक गैस है जिसका नाम है CO2, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। होता क्या है कि जब देखिए सन से सन रेज आती हैं और वो अर्थ को हीट करती हैं, तो अर्थ क्या करती है, अर्थ कुछ हीट जो एब्जॉर्ब की रहती है सन से उसे बदले में रिफ्लेक्ट करती है। जब ठंडी होती है शाम के वक्त तो उसे ये रिफ्लेक्ट करती है यानी कि वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो गैसेज इन हीट को एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती हैं, ये क्या करती हैं, इन गैसेज को रोक लेती हैं अपने पास में, और इसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर, चूँकि अर्थ रेडिएट कर रहा है हीट को तो अर्थ का टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये जो गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये गैसेस इस रेडिएटेड टेम्परेचर को कैप्चर कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, जिस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो घट नहीं पाता है, कम नहीं हो पाता है, तो अर्थ क्या होता है, गर्म होने लगता है। ऐसे ही प्रक्रिया ये लगातार इन गैसेज के माध्यम से होती रहती है। लगातार जो अर्थ हीट अपना रिफ्लेक्ट करता है, जो एमिट करता है, उस हीट को इन गैसेज के माध्यम से कैप्चर कर लिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि एक लंबे समय तक ऐसे करते रहने से जो ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो बढ़ने लगता है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो गैसेस पृथ्वी के द्वारा इमिट की गई टेम्परेचर को कैप्चर कर लेती हैं, उन्हें एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती हैं, उन गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी ढेर सारी ग्रीन हाउस गैसेज जैसे मीथेन हो गया, ये सब भी ग्रीन हाउस गैसेज है, लेकिन CO2 की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है ग्रीन टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट CO2 गैस का होता है। अब देखिए, अब जबकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम इसे कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। इट मीन्स ग्लोब क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है धीरे धीरे, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसका क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग तो देखा जाए तो एक नेचुरल फिनोमेना है, इट मीन्स कि प्रकृति खुद ब खुद पृथ्वी को गर्म करती है और ठंडा करती है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ के प्रेजेंस की वजह से जो रेट है अर्थ को गर्म करने का वो बढ़ जाता है। जैसे पहले प्रकृति जो नेचर है वो तो गर्म कर रही है, लेकिन ह्यूमन जो हैं विभिन्न फैक्ट्रीज के माध्यम से बहुत सारे स्मोक को निकाल रहे हैं, कार के माध्यम से फ्यूम्स को निकाल रहे हैं, ऐसे करते करते वो विभिन्न टाइप्स के ह्यूमन एक्टिविटीज़ के माध्यम से टेम्परेचर को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है ना, ये ग्लोबल को और ज़्यादा तेज़ी से गर्म करने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है,
फिर ये खतरनाक हो जाता है। पहले प्राकृतिक तौर पर जो ग्लोबल वार्मिंग होता था उसमें उतनी समस्या नहीं थी, लेकिन क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसका जो रेट ऑफ वार्मिंग है वो बढ़ गया, ज़्यादा तेज़ी से अब अर्थ गर्म हो रहा है, इससे समस्या है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि ये जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास, मानना क्या है, हमारे पास है ये अर्थ, इसका ये हिस्सा है नॉर्थ पोल, ये हिस्सा है साउथ पोल, और बीच में आपका थर्ड पोल जो हिमालयन वाला रीजन पड़ता है। तो ये तीन हिस्से जो है ना, ये तीन हिस्से पूरे वर्ल्ड में इसलिए फेमस हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको आइस माउंटेन्स मिलेंगे, ग्लेशियर्स मिलेंगे। अब चूंकि ग्लेशियर्स जो हैं बर्फ़ के फॉर्म में हैं, इसलिए बर्फ़ क्या होता है, जब आप बर्फ़ को हीट करते हैं तो बर्फ़ पिघलता है। तो इसी चीज़ में हम देखते हैं कि जब ग्लोब क्या होगा, गर्म होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ये जो आइसेस यहाँ पे ना, ये पिघलना शुरू करेंगे, और जब ऐसा होगा तो इनका जो जल है वो समुद्र में ही जाएगा। अब समुद्र में जाने की वजह से समुद्र में जो विभिन्न प्रकार के आइलैंड्स हैं, जो द्वीप हैं जिन पे लोग रहते हैं, वो द्वीप क्या करेंगे, डूबना शुरू हो जाएंगे क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो कई सारे द्वीप डूब जाएंगे, कई सारी कंट्रीज डूब जाएंगी, और उन पर होने वाली खेती बाड़ी सब खत्म हो जाएगी। कई सारे प्रजातियों का, जैसे प्लांट में या फिर एनिमल्स में, कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से आएंगी, और इन्हें कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए आज के समय में पूरे विश्व में पेरिस एग्रीमेंट के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि हम किसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज में हो रहे तेज़ी से बदलावों को रोक सकें, स्टेबलाइज कर सकें, जिससे कि हम आने वाले पीढ़ियों को एक सुरक्षित, एक क्लाइमेट वाला एक दुनिया दे सकें। ओके, तो ये हमने समझ लिया जनरल चीज़ जो थी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब समझते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन का मतलब कि ये हमारा एटमॉस्फेयर जो है ना, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इतनी सी बात हमें इसमें समझनी है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो गैस होता है उसका नाम है नाइट्रोजन, आपने सभी ने पढ़ रखा होगा, 78% मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा गैस है ऑक्सीजन, जो 21% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। देन ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब देखिए कितना कम ये है, मुश्किल से ये आधे परसेंट भी नहीं है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद भी देखिए कितना इन्होंने, मतलब एक तरह से इम्पैक्ट डाला हुआ है पूरे अर्थ के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैस है और इम्पॉर्टेंट भी है। और बाकी जो गैसेस होती हैं वो 0.04% में आ जाती हैं। अब देखिए, इसमें आप सब जानते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है, ये चूँकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो हम जब भी सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान कुछ नाइट्रोजन गैस की मात्रा भी हमारे फेफड़ों में जाती है, लेकिन उसका हमें यूज नहीं है तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन गैस हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं और इसके माध्यम से हम जिंदा रहते हैं, और इसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है। नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस पेड़ पौधों के लिए है, उनका खाना बनाने के लिए उनको काफ़ी हेल्प मिलती है इसमें, तो इसके बारे में समझेंगे हम नाइट्रोजन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। और CO2 भी इंपॉर्टेंट है पेड़ों के लिए क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं अपना, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है, जैसे कि हम ऑक्सीजन को डायरेक्ट एयर से ले लेते हैं, वो उसका हम यूज़ कर लेते हैं, तो जो प्लांट होते हैं ना, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को एयर से नहीं ले पाते हैं, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते, बल्कि उसको ये चेंज करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। और ये चेंज करने का जो काम होता है एक बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, तब जाकर के वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबैक्टर, आप देख लेंगे इसे, राइजोबियम भी कहते हैं इसे। तो उस बैक्टीरिया के माध्यम से ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करते हैं। और बाकी चीज़ें हमने ऑक्सीजन गैस के बारे में समझ ली। उसके बाद देखिए, बात करते हैं, क्या आप जानते हैं, एक बहुत ही जनरल टर्म है, इस टर्म को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो एयर होती है, मान लीजिए ये एयर, तो जब आप इसे गर्म करेंगे ना, जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये एयर क्या होगी, एक्सपेंड होगी, फैलेगी। ओके, और जब फैलेगी तो हल्की होगी क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब कोई चीज़, एक ही एक चीज़ जो है कम जगह में अगर है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और वही चीज़ अगर ज़्यादा जगह में रख दी जाए तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये जो है, जब एयर को आप गर्म करते हैं तो एयर एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से ये इसकी डेंसिटी कम होती है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ये क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती है। और जब ये हल्की होगी तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ हल्की है तो उसको ओवर उठने में आसानी होगी, तो ये क्या करती है, ऊपर जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो गर्म हवाएं हैं वो हवाएं ऊपर उठती हैं, और इसके ठीक उलट ये जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाओं का मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये हवा ठंडी हो रही है
तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो ये भारी होगी, भारी होगी तो क्या करेगी, नीचे बैठने का इसमें टेंडेंसी क्रिएट होगा, ये सिंक करेगी, नीचे बैठेगी। ओके, तो गर्म हवाएं हल्की होती हैं और ये ऊपर उठती हैं, ठंडी हवाएं भारी होती हैं और ये नीचे बैठती हैं। तो ये एक सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था गर्म और ठंडी हवाओं को लेकर के, जिससे इस कॉन्सेप्ट से आप आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बैठा करके। और डिफरेंट डिफरेंट देखिए, ये हमारे पास है जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में काफ़ी सारे एग्जाम्स, काफ़ी सारे पेपर्स में आए हैं चीज़ें, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक एरा, विंटर वाज वार्मेस्ट ऑन द रिकॉर्ड दिस विंटर, ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली टिंड, मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो उसको ये सब चीज़ें आती रहती पेपर में, इससे ये पता चलता है कि कितना खतरनाक हमारे लिए है। अब देखिए, हमने बात किया कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट मीन्स एटमॉस्फेयर हमारा किस किस लेयर में डिवाइडेड है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये चित्र आप ध्यान से देख लें, इस चित्र का आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआती जो लेयर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो सबसे नीचे का लेयर है जो कि अर्थ के सरफेस से टच करता है, उसका नाम है ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। और सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर यह है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेज हैं उनका यहाँ पे झुंड मिलता है हमको, और यहीं पे ही पेड़ पौधे मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती हैं जो कि लाइफ को पॉसिबल करती हैं। यहीं पे बारिश होती है, यहीं पे तूफान आते हैं, सारी घटनाएं जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो यहीं पे होती हैं। और ये जो गैसेज होती हैं, सॉरी, ये जो क्षोभ मंडल का हिस्सा है, जो इसका ऊपरी लेयर है जिसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, यानी क्षोभ सीमा कहते हैं, वो हर जगह एक समान ऊंचाई वाला नहीं है। जो इक्वेटर वाला पार्ट है वहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है, सॉरी 18 किलोमीटर के आसपास है, बहुत ऊंचा चला जाता है। और जो आपका पोल्स वाले हिस्से हैं वहाँ पे लगभग 8 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट चली जाती है। तो एक एवरेज जब देखते हैं, एवरेज कितना ऊंचा है क्षोभ मंडल, तो हम कहते हैं एवरेज जो है वो 13 किलोमीटर की हाइट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है क्षोभ मंडल की। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं। उसके बाद आपका दूसरा लेयर आता है, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाला जो लेयर है जिसका नाम है ओजोन गैसेस, इन गैसेस का जो लेयर है वो इसी आपके स्फीयर में प्रेजेंट है, और ये हमें सूर्य से आने वाली बहुत ही हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ओजोन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं ये भी इसी मंडल में फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल साफ आसमान रहता है, स्काईज वगैरह नहीं रहते, स्काई वगैरह सब ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं, तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान रखेंगे, जो टेम्परेचर है, जब आप क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, समताप मंडल में जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है, फिर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर की उपस्थिति के कारण थोड़ा सा हीट जो है अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर बढ़ेंगे, जिस स्ट्रेटोपॉज यानी कि समताप सीमा के ऊपर जब बढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे समताप मंडल खत्म होता है, समताप मंडल खत्म होता है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और मेसोस्फीयर स्टार्ट होता है 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये स्टार्ट होता है, मतलब रहता है ये। अब ये क्या इंपॉर्टेंस है मेसोस्फीयर की, देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसमान साफ होता है, तो ये जो है थोड़ा ठंडा, यहाँ पे टेम्परेचर और गिरता है, और सबसे कम टेम्परेचर वाला ये आपका लेयर है एटमॉस्फेयर का। यहीं पे मीटराइट्स, जिसके बारे में हमने पहले चैप्टर में चर्चा की थी, ये आते हैं एटमॉस्फेयर में और यहीं पे जल जाते हैं, और ये धरती को हीट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मेसोस्फीयर्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद हम आते हैं थर्मोस्फीयर, जिसको हम आयनोस्फीयर्स भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयंस, आयंस का प्रेजेंस होने की वजह से इसे आयनोस्फीयर कहा जाता है, और इन्हीं आयंस की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये आयंस आपस में टक्कर करते हैं और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और इस लेयर का टेम्परेचर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर ठंडा होता है। चलिए अब ये बात करते हैं, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है रेडियो के बारे में, रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में। जो हमारे ये थर्मोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर का जो लेयर है, इसी लेयर से पृथ्वी से आने वाले जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसको हम कर पाते हैं, क्योंकि यही इसी लेयर से हम रेडियो ट्रांसमिशन कर पाते हैं, तो इस वजह से इस लेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन आपका है एक्सोस्फीयर, जहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम के आपके कॉम्बिनेशन मिलते हैं, ये सारी गैसेज मिलती हैं, और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, सारे ये जो लेयर्स के बारे में जो चीज़ें हमने यहाँ अपनी फिगर के माध्यम से देखा है, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इसको आप चाहें तो अलग से देख सकते हैं। अब बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट की। तो वेदर और क्लाइमेट के बारे में एक चीज़ समझ लेते हैं, पहले ये जानते हैं वेदर क्या होता है। तो वेदर देखिए, किसी भी जगह का आवर टू आवर, या फिर हम कह सकते हैं डे टू डे,
जो वहाँ पे कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस के बारे में बताता है। इट मीन्स जो एटमॉस्फियर की आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन होती है किसी भी जगह पर, उसे हम कहते हैं उस जगह का वेदर, कि यहाँ पे आज वेदर ऐसा है। अब मान लीजिए कि वहाँ पे धूप निकलने वाली है तो हम कह देंगे टुडे इज सनी वेदर, धूप है, काफ़ी अच्छी धूप है, सनी वेदर हो गया। काफ़ी अच्छी हवा चल रही तो हम कह देंगे इट्स प्लीजिंग प्लेजेंट वेदर, मीन्स ब्रीजिंग यहाँ पे हो रही है, काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं, तो एक बहुत ही खुशनुमा मौसम है। तो ये हो गया आपका मौसम। अब बात करते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है, इट मीन्स जलवायु, ये मौसम से थोड़ा अलग है। जब हम किसी एक जगह का एवरेज लेते हैं, बहुत ही लंबे समय तक के वेदर का एवरेज लेते हैं, और नॉर्मली ये जो ईयर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो होता है 31 ईयर्स का। तो जब हम इतने लंबे समय तक किसी एक पर्टिकुलर स्थान का वेदर कैलकुलेट करते हैं, एक एवरेज लेते हैं उस वेदर का, उसके बाद जो हमें निकल कर आता है उसे हम कहते हैं वहाँ का क्लाइमेट, यानी कि वहाँ की जलवायु। तो मौसम, जब लंबे समय तक मौसम का एवरेज लेते हैं ऑलमोस्ट 31 ईयर्स के लिए, तो फिर वहाँ पर जो वेदर कंडीशंस निकल कर आती हैं, एवरेज वेदर कंडीशंस निकल कर आती हैं, उन्हें कहते हैं क्लाइमेट। तो ये जो डिफरेंस था वो आपने समझ लिया है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ एक चीज़ आप जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, क्या है, जो सन का जो एनर्जी का पार्ट है ना, उसमें मान लीजिए कि 2000, मानना नहीं ये सही भी है, 2000 करोड़ जो टोटल एनर्जी है सन के पास, उसका सिर्फ एक हिस्सा हमारे अर्थ को मिलता है। सोचिए कि 2000 करोड़ पार्ट है एनर्जी का, उसका सिर्फ एक हिस्सा मिलता है सन को, अर्थ को, सन का। उसके बावजूद अर्थ पे इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, इतना ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस हैं यहाँ पे, कितना ज़्यादा ये कम होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा यहाँ पे हार्श कंडीशंस कुछ कुछ जगहों पर मिल जाती हैं। सोचिए अगर इस दुगुना सिर्फ एक पार्ट और बढ़ जाए, यानी कि सिर्फ दो पार्ट अगर हमको मिलने लगे सन का, तो अर्थ पे रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं इस माध्यम से कि सन के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। अब समझते हैं टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर जैसे आप जो फील करते हैं वो एक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, तो वही है टेम्परेचर। और डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर है, उस एयर में कितना ज़्यादा ठंडापन है, कितना ज़्यादा गर्मपन है, इट मीन्स वो कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, ये जो डिग्री है ना, यही टेम्परेचर के रूप में जानी जाती है। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। और टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा है तो समर सीजन है, टेम्परेचर आपका ठंड कम है तो आपका फिर विंटर सीजन है। इंसुलेशन क्या होता है, देखिए इंसुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंसुलेशन ये है इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाई अर्थ। जो सूर्य से आने वाली सूर्य किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की जो ऊर्जा है जो अर्थ के द्वारा कैप्चर की जाती है, इंटरसेप्ट की जाती है, उसे कहते हैं इंसुलेशन। ओके, सूर्य ताप इसे बोलते हैं हिंदी में, सूर्य ताप। और जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है वो हमेशा इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब आप जाएंगे तो कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो पोल वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे सूर्य ताप यानी इंसुलेशन कम पहुँचता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सन। सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, इट मीन्स कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही लंबवत चमकता है, उसके बाद ये उसके बियॉन्ड ना तो नॉर्थ साइड और ना ही साउथ साइड कभी भी लंबवत होता है। तो जो ये नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, यहाँ पे सूर्य की एनर्जी कम पहुँचती है। तो जो इंसुलेशन है वो जाहिर सी बात है इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे थर्मोमीटर है, इसको हम यूज करते हैं टेम्परेचर का माप करने में, टेम्परेचर को मेज़र करने में। बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मेज़र करने में। रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इट मीन्स कितना ज़्यादा वर्षा किसी जगह पर हुई उसको मेज़र करने के लिए करते हैं। विंड वेन का हम प्रयोग करते हैं डायरेक्शंस को पता करने के लिए, कि किस डायरेक्शन से इस समय एयर जो है वो ब्लो हो रही है, एयर चल रही है, हवा चल रही है। ओके, इस चीज़ को हमने देखा। एक चीज़ आप यहाँ पे और जान लें कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने की, उसका नाम है डिग्री सेल्सियस, और इसका जो है आविष्कार किया गया था एंडर्स सेल्सियस के द्वारा। आप सभी जानते हैं 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है, इस पर जो वाटर होता है वो फ्रीजिंग कंडीशन में आ जाता है, और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है इस पर वाटर बॉयलिंग कंडीशन में आ जाता है। ओके, तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात करेंगे हम एयर प्रेशर की, बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एयर प्रेशर। सबसे पहले आप ये जान लें कि जो एयर प्रेशर वो क्या होता है। तो एयर प्रेशर, जैसे हमारी ये आपका अर्थ का सरफेस है, ओके, तो इस सरफेस पर एयर के द्वारा, एयर का जो भी वेट है, ओके, जितना भी भारीपन है,
वो भारीपन के द्वारा जितना भी प्रेशर यहाँ पे लगाया जा रहा है अर्थ के सरफेस पे, वही कहलाता है एयर प्रेशर। ओके, तो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर के भार के द्वारा अर्थ की सतह पर लगाया गया दाब सरफेस प्रेशर कहलाता है एयर प्रेशर। ओके, और यह ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जब आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर एयर क्या होता है, गर्म होता है, ओके, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जब ऐसा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमने बात किया अभी कुछ देर पहले कि जो एयर होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, हल्का होता है और फिर ये ऊपर उठने लगता है। ओके, तो जब ऐसा होगा तो जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, हाई प्रेशर रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जिन जगहों पे एयर गर्म होता है, ऊपर उठता है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और लो प्रेशर में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहीं पर ही क्लाउडी स्काई मिलेगा आपको, इट मीन्स जो आपका आसमान है उसमें आपको बादल दिखाई देंगे और जो मौसम है वो थोड़ा गीला गीला वेट होगा। ओके, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पे। तो ये होता है उन क्षेत्रों में जहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है, लो होता है। लेकिन इसके ठीक उलट जहाँ पर एयर प्रेशर हाई होता है, जहाँ पे हवाएं भारी होती हैं, तो वो नीचे बैठती हैं। और जब ऐसा होता है तो इन जगहों पर जो स्काई होता है बिल्कुल साफ होता है, आसमान आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ होगा, वहाँ पे बादल वगैरह नहीं होंगे और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ आसमान आपको दिखाई देगा। और इन एरिया में जहाँ पे हवाएं भारी होती हैं वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ओके, और ये दो कॉन्सेप्ट समझने के अलावा एक कॉन्सेप्ट और भी है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि एयर जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है क्योंकि इससे ही आगे आपके आने वाले समय में जो एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं उसको समझने का हमें आसान हो जाएगा, हमको काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। और इसके साथ ही साथ हम साइक्लोन के बारे में भी समझ पाएंगे, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमेशा एयर हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब बात करते हैं विंड, विंड क्या होता है, तो देखिए वही है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। हवा का उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहना ही कहलाता है विंड, वायु कहलाती है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने समझ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब समझते हैं कि जो विंड है उनका नाम कैसे रखा जाता है, आखिर कैसे हम कह देते हैं कि ये पछुआ पौने हैं, ये दक्षिणा पौने हैं, ये उत्तरी पौने या पूर्वी पौने, कैसे हम कह सकते हैं इसको। देखिए सिंपल सी बात है कि जिस भी डायरेक्शन से कोई विंड आती है उस डायरेक्शन के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। मान लीजिए कि ये वेस्ट डायरेक्शन है तो हम कह देंगे कि ये पछुआ पौने क्योंकि ये वेस्ट साइड से आ रही है। वहीं अगर एक विंड जो है पूर्वी साइड से आ रही है, ईस्ट साइड से आ रही है, तो उसको हम कह देंगे ये पूर्वी पौने हैं, इट मीन्स इसे हम कह देंगे ईस्टर्लीज हैं, ये क्या है, ईस्टर्लीज है। तो वही है, द विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जिस भी डायरेक्शन से विंड आती है उसी डायरेक्शन के नाम पर ही किसी विंड का नाम रखते हैं। ओके, ये चीज़ हमने समझ लिया। ये देखिए एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था फ्यूरी साइक्लोन था और ये काफ़ी तबाही मचाया था, भैया बंगाल में आया था ये, और इसके बारे में आप डिटेल थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, फैक्ट्स वगैरह जान जाएंगे तो इससे आपको ये लगेगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें घटना घटित होती हैं जब कोई साइक्लोन आता है। लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमें अभी पहले यहाँ पे कवर करना है जिसका नाम है मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए जो विंड होती है ना, वे विंड्स थ्री टाइप्स के होती हैं। एक होती हैं परमानेंट विंड्स, इट मीन्स ये होती हैं अस्थाई पौने और ये पूरे वर्ष भर ग्लोब पर बहती रहती हैं। दूसरी होती हैं सीजनल विंड्स, मतलब ये मौसमी हवाएं होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर मौसम में, वर्ष के एक पर्टिकुलर टाइम में ही ये फ्लो करती हैं। तीसरी होती हैं लोकल विंड्स जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती हैं और अलग अलग समय में ये बहती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है परमानेंट विंड्स, पहले इसको समझते हैं कि अस्थाई पौने क्या होती हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, सारा जो ये खेल है ना, ये सारा खेल है ये सन के इंसुलेशन का, यानी सन जो जिस प्रकार से एनर्जी देता है अर्थ को, उस एनर्जी के आधार पर ही ये जो परमानेंट विंड्स हैं ये फ्लो करती हैं। कैसे करती हैं आइए समझते हैं। आप सभी जानते हैं जो अर्थ है इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और बीच में इक्वेटर है, इन दोनों के बीच में ही सूर्य की मात्रा, इट मीन्स इंसुलेशन सबसे ज़्यादा पहुँचता है और इन्हीं क्षेत्रों में गर्म बहुत ज़्यादा होता है अर्थ। उसके बाद बियॉन्ड आप देखेंगे नॉर्थ की साइड और बियॉन्ड आप देखेंगे साउथ की साइड, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कम होता है।
अब समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे डिफरेंस आता है इन टेम्परेचर की वजह से विंड्स के फ्लोइंग पैटर्न में। ध्यान से देखिए, ये जो आपका हिस्सा है ये इक्वेटोरियल लो है, लो प्रेशर, जिसे हम डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। यहाँ पर चूंकि सूर्य का जो इंसुलेशन वो सबसे ज़्यादा रिसीव होता है, तो यहाँ पर जो हवाएँ हैं सबसे ज़्यादा गर्म होती हैं, और गर्म होने की वजह से ये ऊपर उठती हैं और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो हमने कहा ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब अगर हम देखें इसके कंपैरिजन में नॉर्थ साइड लगभग 25 डिग्री नॉर्थ तक और साउथ साइड लगभग 25 डिग्री साउथ तक, आप देखेंगे ये जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर भी सूर्य की किरणें पहुँचती हैं, लेकिन चूंकि जो अर्थ का जो इक्वेटर है यहाँ पर पूरे वर्ष भर लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबोत रहती हैं, तो यहाँ पर जो इंसुलेशन है, जो सूर्य तप की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू जो ये इसके नॉर्थ और साउथ साइड वाले एरियाज हैं। तो कंपेरेटिवली देखा जाता है कि जो इक्वेटर है वहाँ पर इन दो नॉर्थ और साउथ एरिया के कंपैरिजन में लो प्रेशर है। तो जब यहाँ पे इक्वेटर पे लो प्रेशर होगा तो जाहिर सी बात है ये इसके कंपेयर में साउथ वाला जो हिस्सा होगा इसके मकर रेखा के पहले वाला वहाँ पे हाई प्रेशर होगा इन कंपेयर टू, और उसी प्रकार से कर्क रेखा के पहले वाला हिस्सा वो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा अगर कंपेयर करें उसे भूमध्य सागरी भूमध्य रेखी प्रेशर से कंपेयर करें तो। तो जब इक्वेटर पर लो प्रेशर होगा तो ये लो प्रेशर जो है क्या करेगा, इनवाइट करेगा हैवी हाई प्रेशर वाले एरिया एयर्स को, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एयर होती है, जो विंड होता है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ से ये जो हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं ये हवाएं फ्लो करेंगी किधर, इक्वेटर की तरफ फ्लो करेंगी। तो इस तरह से क्या होता है, जब ये हवाएं वर्ष भर ऐसे फ्लो करती हैं तो इन हवाओं को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है, जब आप साउथ में देखेंगे इट मीन्स दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो इसे कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट, देखिए इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा बना है टेल वाला हिस्सा बना है, ये टेल वाला हिस्सा किधर से दिख रहा है हमें कि ये साउथ और ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, तो चूंकि जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन वाला इसको नाम देंगे, तो इसलिए इन हवाओं को कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इट मीन्स दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। उसी प्रकार से जो नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला हिस्सा है, जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है, इसमें ये हवाएं नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। तो ये पवने वर्ष भर प्रभावित होती हैं बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द सन्स अर्थ, और इसकी वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का, उसी वजह से ये विंड्स वर्ष भर यहाँ पर प्रभावित होती रहती हैं। ओके, नाउ अब इसके बाद क्योंकि ये हाई प्रेशर हो गया, इसके बाद जब देखेंगे आप इस हिस्से को जो आपका 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में है और 30 से 35 डिग्री साउथ में है, यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ थोड़ा हाई प्रेशर होता है उसके कंपेरिजन में जो आपके 35 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ वाले हिस्से हैं और उसके साथ ही 35 डिग्री से 60 डिग्री साउथ वाले हिस्से हैं, तो यहाँ पर क्या होता है लो प्रेशर होता है। इसके मतलब आगे आप जाएंगे तो जो सब पोलर वाला हिस्सा होता है ये लो प्रेशर होते हैं, और इस वजह से क्या होता है ये लो प्रेशर की तरफ हवाएं क्या करेंगी, मूव करेंगी यहाँ से। अच्छा, इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, हम यहाँ से आते हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से। अब देखिए जो हाई प्रेशर वाला एरिया है नॉर्थ जो पोल आपका है, तो यहाँ पे चूंकि सूर्य की किरणें सबसे कम पहुँचती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ओके, और इसके बाद जब आप 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ आएंगे तो यहाँ पे चूंकि सूर्य की किरणें कुछ कुछ डायरेक्ट तो नहीं पहुँचती बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी बेंड होकर जरूर पहुँचती हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आपका जो पोल है ना उसकी तरफ से भी हवाएं चलेंगी, तो इसे कहते हैं क्योंकि ईस्ट की तरफ हवाएं आती हैं तो इसे कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज, यानी कि ध्रुवी पूर्वी पवने, और ये आती हैं सब पोलर लो प्रेशर एरिया में। उसी प्रकार से जो आपका यहाँ पे 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में जो हवाएं होती हैं ये भी हवाएं क्या करती हैं इसी तरफ फ्लो करती हैं, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे जब ये फ्लो करेंगी तो इन्हें कहते हैं प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवने। तो पछुआ पवने 35 डिग्री नॉर्थ रूट 60 डिग्री नॉर्थ फ्लो करती हैं वेस्ट साइड से, और उसी प्रकार से 35 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ ये भी यहाँ पे फ्लो करती हैं वेस्ट साइड से। तो दो पछुआ पवने हैं जो दोनों गोलार्धों में फ्लो करती हैं, उसी प्रकार से दो ट्रेड विंड्स हैं जो दोनों गोलार्धों में फ्लो करती हैं, और फिर आपकी जो पोलर विंड्स हैं वो भी दोनों गोलार्धों में फ्लो करती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एयर प्रेशर है, ये तो अभी बहुत बेसिक चीज़ें इसमें दी गई हैं, हमने इसको समझने का प्रयास किया, आने वाले चैप्टर्स में इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको ये तीन जो परमानेंट विंड्स हैं ना इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से तीन परमानेंट विंड्स हैं। उसके बाद सीजनल विंड्स आते हैं, तो सीजनल विंड्स मतलब कि ये जो
विंड में डायरेक्शन इत्यादि के चेंज होने की वजह से जो डिफरेंट सीजन आते हैं उन्हीं की वजह से ये विंड्स का निर्माण होता है, जिसमें मानसून जो विंड्स है इसके ये सबसे बड़ा यहाँ पे एग्जांपल है। ये सब आने वाले चैप्टर में हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि क्या है इनका उत्पत्ति इत्यादि कैसे होता है। बाकी अभी आप जानें कि मानसून जैसी पवनें क्या होती हैं, ये सीजनल विंड्स के रूप में जानी जाती हैं। लोकल विंड्स जैसे लू हो गया, हमारे रेगिस्तान में जो लू जो फ्लो करता है जब गर्मी का मौसम होता है, तो उस समय जो ये विंड होता है ना ये स्थानीय विंड होता है। इसी प्रकार से जो उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा वहाँ पे चिनूक पौने आती हैं, तो ये भी क्या स्थानीय पौने हैं, इनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। बस ही अभी हमें यहाँ ये समझना है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं विंड्स के, तो हमने ये देख लिया। उसके बाद हमने ये साइक्लोन फ्यूरी के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लिया, उसी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे और दी गई हैं जिसको आप पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं मॉइस्चर की, बात करते हैं तो मॉइस्चर क्या होता है। तो देखिए किसी भी समय एनी टाइम एयर में जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब नमी, एयर में किसी भी समय जो नमी होती है उस नमी को क्या कहते हैं हम, ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसे आप समझ लें, ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और ये ह्यूमिडिटी की वजह से हमें गर्मी का एहसास और बहुत ही हमारा जो पसीना इत्यादि होता है वो सूखता नहीं जल्दी, कपड़े भी नहीं सूखते हैं, क्योंकि जो हवा है उसमें ऑलरेडी नमी है, तो हमारे कपड़ों की नमी को कैसे सूखेगी। तो जब ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में तो व्यक्ति को अच्छा भी नहीं लगता है, मतलब कि वो बहुत उसे गर्मी फील होती है, बहुत ही घुटन सी महसूस होती है, उमस महसूस होती है, और कपड़े इत्यादि भी जल्दी नहीं सूखते हैं। अब समझते हैं कि जो आपका ह्यूमिडिटी है वो कैसे वर्क करता है। देखिए जैसे जैसे एयर क्या होता है आपका गर्म होता है, जब एयर आपका गर्म होगा वार्म होगा तो ये क्या करेगा, जाहिर सी बात इसमें टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की, क्योंकि ये एक्सपेंड करता है। जब गर्म होता है तो एक्सपेंड करेगा तो इसमें जो वाटर वेपर है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती, बढ़ जाती है। पहले क्या था, एक्सपेंड नहीं किया था, पहले डेंस था तो वाटर वेपर कम होल्ड कर पा रहा था, लेकिन जैसे ये गर्म हुआ ये एक्सपेंड कर गया, अब इसमें और वाटर वेपर स्टोर हो सकता है। ओके, ऐसे ऐसे करते करते ये गर्म होता है और एक्सपेंड होता है तो ढेर सारा वाटर वेपर अपने में ये कंटेन कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है। ओके, और इसी वजह से जो है जो कपड़े होते हैं वो देर तक सूखते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अब समझते हैं जब ये वाटर वेपर मान लीजिए हुआ तो वाटर वेपर क्या करता है, ऊपर उठता है। तो जब आप टेम्परेचर जब ऊपर उठेंगे आप, जब सरफेस से अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, कम होता है। तो जब ये वाटर वेपर ऊपर जाता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर ठंडा होने की वजह से क्या होगा, कंडेंस होगा, इट मीन्स संघनित होगा, तो ये वाटर के ड्रॉपलेट्स इट मीन्स वाटर की बूंदें, पानी की बूंदों को बनाएगा। और जब ऐसा होगा तो ये जो पानी की बूंदें होती हैं ये एक जगह इकट्ठी होने शुरू हो जाती हैं, और ये जब ढेर सारी पानी की बूंदें वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठा होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्लाउड्स। तो क्लाउड्स कैसे बनता है, जब वाटर वेपर हवा में ऊपर उठता है और ये फिर ठंडा होता है और पानी की बूंदों को आपस अपने पास रखता है, और ढेर सारी जब पानी की बूंदें इसी प्रकार से बनती चली जाती हैं, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो उन्हें कहते हैं हम बादल कहते हैं, क्लाउड्स कहते हैं। और जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स इनके पास हो जाते हैं, तब ये एयर में फ्लो नहीं कर पाते, फ्लोट नहीं कर पाते एयर में, तो ये झम से नीचे गिर जाते हैं, जिसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षण। तो हमने समझा कि किस प्रकार से बादल बनते हैं और किस प्रकार से वर्षण होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। अब देखिए वर्षा क्या होती है, वर्षा वर्षण का ही एक पार्ट होती है, जो रेन है वो वर्षण का एक पार्ट है। तो जब ये पानी के रूप में गिरेगा तो इसे हम कहेंगे वर्षा, यानी कि रेन कहेंगे, लेकिन जब ये स्नो इत्यादि के रूप में गिरता है तो इसे हम स्नोफॉल कहते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन के टाइप हैं, वर्षण के प्रकार हैं। तो प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड द रेन। रेन किसे कहते हैं, ऐसा वर्षण जो लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ, तरल फॉर्म में आता है अर्थ पर, उसे कहते हैं हम रेन। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट और समझ लेते हैं, जो रेन के टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप से रेन होते हैं। जैसे रेनफॉल आपका होता है कन्वेंशनल टाइप का रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है और साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, जब मान लीजिए कि कोई एक बहुत ही ऊंचा सा पर्वत है, उस पर्वत से जब बादल आके टकराते हैं, टकराने के बाद कंडेंस हो जाते हैं और अपना जल, क्योंकि यहाँ अधिकता हो जाती है बादलों की, तो यहीं पर अपना जल झम से गिरा देते हैं, तो इसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि पर्वतीय वर्षा। उसी प्रकार से जो कन्वेंशनल होती हैं, इसमें क्या होता है कि गर्म हवाएँ होती हैं, हवाएँ गर्म होती हैं ऊपर उठती हैं, अपने साथ ये वाटर वेपर को कंटेन करती हैं, फिर ये ऊपर उठती जाती हैं, फिर वाटर वेपर को कंटेन करना शुरू करती हैं। एक समय ऐसा आता है कि वाटर वेपर जो है फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा जब होता है तो फिर ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स की मासेज जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बादल का रूप लेते हैं। और फिर वही बादल जब ज़्यादा हैवी हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है कि वो
एयर में फ्लो ना कर पाए, एयर में फ्लोट ना कर पाए, एयर में तैर ना पाए, तो फिर वो क्या करता है, झमाझम नीचे गिर जाता है पानी के रूप में। तो इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि इसे कहते हैं कन्वेंशनल, जो आपका जो कन्वेंशनल वर्षा होती है उसे उसका मतलब ये हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये चीज चित्र इसको समझाया गया है कन्वेंशनल रेनफॉल के बारे में, कि पानी गर्म होकर ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे कंडेंस होकर के बादल का फॉर्म लेकर के फिर नीचे आ जाता है। हाँ, साइक्लोन के बारे में क्या कहते हैं, साइक्लोनिक वर्षा क्या होती है, इसमें जैसे जो साइक्लोन होते हैं ना वो लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, मान लीजिए लो प्रेशर वाला एरिया है तो यहाँ से हाई प्रेशर से आते हैं, लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, और फिर ये जब ऐसा होता है तो ये लो प्रेशर वाले एरिया में चूंकि हवाएं गर्म होती हैं तो ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद जब कंडेंस होती हैं तो कंडेंस होने के बाद फिर ये नीचे रेन के रूप में नीचे गिरने शुरू हो जाती हैं। तो साइक्लोन को पहले समझेंगे, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। तो आइए छोटा सा कॉन्सेप्ट है समझ में समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए कि ये हिस्सा जो है ये लो प्रेशर है और बाकी से साइड साइड जो है हाई प्रेशर है, तो एयर्स की टेंडेंसी होती है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। जब ऐसा होता है तो साइक्लोन ये यहाँ पे बनना शुरू होता है क्योंकि इसके सर्कल सर्कल फॉर्म में ये जाते हैं, तो दौड़ेंगी हवाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि लो प्रेशर है तो यहाँ पे हवाएं गर्म होंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी, तो इसके बाद वो एक्सपेंड होंगी, एक्सपेंड होंगी तो अपने अंदर ये और वाटर वेपर कन्वर्ट कंटेन कर पाएंगी, और जब ऐसा होगा कि वाटर वेपर बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होने लगेगा तो वाटर वेपर वो कंडेंस होगा, कंडेंस होगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, जब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा फिर ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ पे क्लाउड्स बनेगा, क्लाउड्स बनेगा तो यहाँ पे वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही इसका तरीका है साइक्लोनिक वर्षा का, इसको हमने देख लिया। अब आइए छोटा सा और चीज़ एक बची रहेगी, उसको हम खत्म करने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना प्रेसिपिटेशन के, वर्षा, उनका नाम है स्नो, स्लीट और हेल। तो ये जब पानी के रूप में गिरता है तो उसे हम कहते हैं रेन कहते हैं, लेकिन जब अलग अलग फॉर्म्स में गिरता है, मान लीजिए बर्फ के आइस बर्फबारी हो रही तो उसे हम कहते हैं स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से ये डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिपिटेशन के क्या दिए हैं, फॉर्म दिए गए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमने देख लिया, और रेनफॉल आप सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ पे, जो लाइफ है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये चीज़ें कवर कर ली। अच्छा, जिन लोगों को टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, उसका नाम है आपका चांसले टाइम, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में जस्ट सर्च करके। और एक आपका है चांसले के नाम से चैनल भी है, जिसको भी आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये आपका ग्रुप है तो इसमें आप आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, बातचीत इन द सेंस कि आप कोई क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो डी एस पेरेंट, ये हमारा आज की वीडियो, इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।